नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष के बारे में बताएंगे। ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष के फंडामेंटल के बारे में समझेंगे। ज्योतिष बहुत ही प्राचीन विषय रहा है। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ज्योतिष को हम क्यों माने। ज्योतिष क्या है? एक विषय है, और इस विषय को का महत्व क्या है, और इस पे हम विश्वास क्यों करें, तो इसी पे हमारा आज का पूरा रिकॉर्डिंग है। आप इसको देखें, समझें। जैसा आप जानते हैं, वेद, ऋग्वेद का नाम आपने सुना होगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद का नाम आपने सुना होगा। वेद दुनिया का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज है, इस बात को तो आप जानते हैं, मानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, किताब में भी आपने पढ़ी होगी। ऋग्वेद सबसे पुराना संस्कृत पुस्तक है, वैदिक संस्कृत पुस्तक माना जाता है ऋग्वेद को, और ज्योतिष भी उतना ही प्राचीन है जितना वेद प्राचीन है, जितना ऋग्वेद प्राचीन है उतना ही पुराना ज्योतिष है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये ऋग्वेद कह रहा है, ये वेद कह रहा है। ज्योतिष पुराना क्यों है, ये वेदों में इसकी चर्चा है। ऋग्वेद में 36 श्लोक हैं ज्योतिष के, यजुर्वेद में 44 श्लोक हैं ज्योतिष के, और अथर्ववेद में 162 श्लोक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद में चर्चा है ज्योतिष का, इसका मतलब यही हुआ कि ज्योतिष ऋग्वेद के समकालीन विषय है। क्लियर है कि ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी ज्योतिष को स्थान दिया गया है, उनके श्लोक को रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्योतिष बहुत ही प्राचीन विषय है। अब है कि इस पे हम क्यों विश्वास करें। बहुत सारे लोग ज्योतिष पे विश्वास रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, उस डिबेट में हमको नहीं जाना है। बट मैं कुछ लॉजिकल बातें यहाँ पे करूँगा, आप लोगों से साझा करूँगा कि हमें ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप खुद निर्णय लीजिए। प्राचीन काल में ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ज्योतिष विषय का निर्माण किया गया था। ज्योतिष विषय के अंतर्गत खगोलीय पिंड को अध्ययन किया जाता था। हमारे प्राचीन विद्वानों ने खगोलीय पिंडों के बारे में अनुमान लगाया था जो आज भी मान्य है। हमारे प्राचीन विद्वानों ने, ज्योतिष शास्त्रों ने खगोलीय पिंड के बारे में बताया था। उनका कहना था कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 108 गुना बड़ा होता है। व्यास आप लोग समझते हैं, गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वृत्ताकार, वृत्ताकार कोई वस्तु हो, वृत्त का आकार हो, उसके परिधि पर, परिधि के कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से गुजरती है, उसको हम लोग व्यास या डायमीटर कहते हैं। तो आप सोचिए, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेदीन काल में वहाँ जो ज्योतिष थे, हमारे विद्वान थे, हमारे सनातन धर्म के, उन्होंने अनुमान लगाया कि सूर्य का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास से 108 गुना अधिक होता है। और आप आज कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप आज जो कैलकुलेट करते हैं तो भी यह पाया जाता है कि सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना सटीक अनुमान लगाया होगा। अब हमें नहीं पता कि उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, क्या आधार बनाकर इस तरह से अनुमान लगाया, लेकिन अनुमान कितना सटीक है कि आज के खगोल शास्त्री भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने भी कैलकुलेट किया है अपने तरीके से, और आप रेशियो निकाल के देख लीजिए, अनुपात निकाल के देख लीजिए, सूर्य का व्यास और पृथ्वी का व्यास का रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, 109, लगभग 109 आएगा। ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास आज दूरबीन है। हमारे खगोलीय विद्वान या दार्शनिक जिनको कह लीजिए या खगोल शास्त्री कह लीजिए, उन्होंने दूरबीन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिस्टेंस को मेजर किया। और प्राचीन में जिस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने पता नहीं किस आधार पे इसको अनुमान लगाया जो कि एकदम सटीक है, 109 और उन्होंने 108, और इसलिए 108 का सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण महत्व स्थान रखा जाता है।
आप सुनते भी होंगे, कहा जाता है श्री श्री 108। तो 108 यहीं से लिया गया है, सूर्य और पृथ्वी। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 अधिक गुना अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सूर्य है उसके व्यास पे 108, अगर उसका बीच का लाइन खींच दे तो उस पर 108 पृथ्वी को सजाया जा सकता है। इसलिए 108 का सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत शुभ अंक है 108। हमेशा हम लोग किसी को आदर करते हैं अपने विद्वानों को, तो बोलते हैं श्री श्री 108 श्री फलाने जी महाराज। तो 108 वहीं से लिया गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कैलकुलेट किया था हमारे प्राचीन विद्वानों ने, तो उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच भी 108 चंद्र को सजाए जा सकते हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का जो लाइन होगा उस पर 108 चंद्रमा रखे जा सकते हैं। इस तरह से सजाए जाएंगे कि दोनों के बीच की दूरी में 108 चंद्रमा आराम से अरेंज हो जाएंगे। उन्होंने अनुमान लगाया था। आज भी जो हमारे खगोल शास्त्री है, हमारे जो विद्वान है, हमारे जो वैज्ञानिक है, जो हमारे दार्शनिक है, उन्होंने भी मेजर करके बताया कि हाँ लगभग उसी के आसपास जो डिस्टेंस है वो उसी रेशियो में है। यही कारण है कि ज्योतिष को हम मानते हैं, लॉजिकल तरीका से मानते हैं। तो ज्योतिष कोई ठग विद्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष सीख लिया और ठगने का काम नहीं। ज्योतिष का असर होता है और ज्योतिष सही में एक विषय है जिसको हमने अभी लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन हैं जिससे ज्योतिष में हमारा विश्वास बनता है कि हाँ ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट है और इसका भी कुछ ना कुछ स्थान है और कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो ज्योतिष क्या था? ज्योतिष एक विषय था जिसमें खगोलीय पिंड को नापते थे, उसके बारे में अध्ययन करते थे, कितना दूरी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है। तो ये जो पूरा अध्ययन का जो सब्जेक्ट था उसी को कहा गया था ज्योतिष। और इसकी चर्चा वेदों में भी है, ऋग्वेद में है, आपने देखा कितना श्लोक है उसमें, आपने पिछले स्लाइड में देखा। सौरमंडल, सौरमंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सूर्य है उसके बाद देख रहे हैं आप प्रेजेंटेशन में दिख रहा है। तो इसी क्रम में हमारे प्राचीन विद्वान ने भी बताया था कि सूर्य है उसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, चंद्र है, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, हर्षल, प्लूटो। तो हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी इसकी परिकल्पना की थी जिसको आज वैज्ञानिक तरीके से भी इसको साबित किया जा चुका है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? नौ, बुध है। और प्राचीन विद्वानों ने भी कहा था कि नौ ग्रह है, और आज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नौ ग्रह। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा जो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति का संबंध हमारे साथ जितना बेहतर होगा वो हमारे लिए लाभदायक होगा, और उससे रिलेशन हमारा खराब होगा तो जाहिर सी बात है कि पड़ोसी का असर हम पे पड़ता है। जो हमारे नज़दीक में है उसका असर हम पे पड़ता है। पड़ोसी अच्छा होगा तो उसका अच्छा असर पड़ेगा, पड़ोसी हमारा बुरा होगा तो बुरा असर पड़ेगा। अब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में पड़ोसी कोई गाना बजा दिया तेज में, तो आप प्रभावित होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कि अब अमेरिका में कोई व्यक्ति गाना बहुत तेज़ी से बजाए तो क्या हम उससे प्रभावित होंगे? नहीं प्रभावित होंगे। तो जो लोग हमसे जितना दूर है, जो पड़ोसी जितना दूर रहेगा उसका प्रभाव हमसे कम पड़ेगा। अमेरिका में व्यक्ति अभी गाना गाए, सोए, नाचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा बगल वाला व्यक्ति, हमारा पड़ोसी अगर गाना तेज सुनता है, टीवी तेज सुनता है, तो उससे हम बहुत आसानी से इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावित होते हैं। उसी तरह से हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे नज़दीक में जो ग्रह है उसका मूवमेंट, उसका असर पड़ता है। तो पृथ्वी से जो जितना नज़दीक ग्रह होगा, जो नज़दीक तारे होंगे उसका ज़्यादा असर होगा, और जो ज़्यादा दूर होंगे उसका कम असर होगा। तो हमारे दार्शनिक, हमारे विद्वानों ने भी, सनातन धर्म के विद्वानों ने भी कहा था कि हर्षल और प्लूटो जो कि काफ़ी दूर है, पृथ्वी से काफ़ी दूर है, जिसका असर नगण्य, नौ के बराबर। मान लीजिए हम यहाँ पे है और अमेरिका वाली बात है तो उसका असर नौ के बराबर है। तो सबसे अधिक हमारे पृथ्वी पर किसका असर पड़ता है? सूर्य को, सूर्य का।
चंद्रमा का, बुध का, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसका असर कम पड़ता है, ठीक है। और हमारे प्राचीन विद्वानों ने सूर्य को एक ग्रह माना था। एक्चुअली में सूर्य ग्रह नहीं, हम जानते एक तारा है, लेकिन हमारे विद्वानों का मानना था कि वह ग्रह है, उसका असर पृथ्वी पे पड़ता है, उनके उनका उनका असर डायरेक्टली पड़ता है। जाहिर सी बात है, सूर्य के रोशनी से, सूर्य के एनर्जी से ही हमारा पृथ्वी पे जीवन संभव है, तो असर तो है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कौन से ग्रह का कितना असर है पृथ्वी पे, ठीक है। और इन ग्रहों का ही आपने एक टर्म सुना होगा या बोलते भी है, जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली क्या है कि जन्म के समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति, इसी को जन्म कुंडली कहते हैं। अभी मान लीजिए कोई बच्चा भी जन्म लिया, तो उस समय इस अंतरिक्ष में ग्रहों की क्या स्थिति है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी का अध्ययन, उसी का एक लेखन, उसी का एक डॉक्यूमेंट कहलाता है जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जन्म कुंडली क्या है, जन्म के समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति को ही जन्म कुंडली कहते हैं। उसी को हमारे ज्योतिष शास्त्री जो होते हैं, ज्योतिष के जानकार लोग होते हैं, वो उसको जन्म कुंडली में लिखते हैं, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे, आगे वाली वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तो ज्योतिष में सूर्य को क्या माना गया है, एक ग्रह माना गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको ग्रह ही, ज्योतिष की भाषा में इसको ग्रह ही बोलेंगे, बट रियलिटी क्या है कि सूर्य एक तारा है, लेकिन ज्योतिष में इसको आप एक ग्रह मान के चलें। और इसी के हिसाब से तो सूर्य ग्रह हो गए ज्योतिष के हिसाब से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण और कुबेर। जैसा हमने बताया कि अरुण वरुण और कुबेर की दूरी अधिक है पृथ्वी से, जिसके कारण पृथ्वी पे इसका असर न के बराबर है। इसलिए ज्योतिष शास्त्री ज्योतिष में भी इसको साइड कर ही दिया गया कि अब इसको हटाइए, इसका जब असर ही नहीं पड़ रहा है तो इसका हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज्योतिष में नौ ग्रह बोला गया, नौ ग्रह का नाम हम बता दे रहे हैं, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, चंद्र और उसके अलावा है दो, राहु और केतु। हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने ये नौ ग्रह डिफाइन किया था, और इसका क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पे, उसी का अध्ययन ही है, उसी का ही अध्ययन ज्योतिष में हम लोग करते हैं। उसका क्या फल मिलता है, हम लोग राशि फल देखते हैं पेपर में, देखते हैं ना कि फलाने राशि का इसमें क्या होगा, आज अच्छा होगा, क्या शुभ होगा, क्या बुरा होगा, कौन सा दिन शुभ रहेगा हमारे लिए, कौन सा दिन अशुभ रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ग्रहों का ही प्रभाव है हमारे जीवन पे, हमारे पृथ्वी पर, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं ज्योतिष। अंतरिक्ष में सूर्य एक तारा है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, सूर्य एक तारा है, लेकिन ज्योतिष की भाषा में इसको एक ग्रह माना गया है, इसलिए हम लोग इसको ग्रह बोलेंगे, ग्रह के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सूर्य तो तारा है आप ग्रह बोल रहे हैं, नहीं, ज्योतिष विद्वानों ने इसको ग्रह माना है, इसका प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पे, इसलिए ग्रह करके ही हम लोग इसमें सूर्य को ग्रह करके ही उच्चारण करेंगे इसमें। तो नौ ग्रह समझ गए आप लोग, फिर से रिपीट करते हैं, नौ ग्रह कौन कौन है, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। राहु और केतु को ज्योतिष में चमत्कारी ग्रह माना गया है। राहु और केतु को क्या बोला गया है, चमत्कारिक मैजिकल ग्रह बोला गया, इसका बहुत ज्यादा असर बताया जाता है। बोलते हैं ना कि राहु खराब है, केतु खराब है, तो राहु केतु क्या है, एक पौराणिक कथा है, कथा है, सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मान के चलते हैं कि सच नहीं है। कहानी के रूप में हम लोग कहानी के रूप में किसी को क्यों सुनाते, ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। कहानी और कथा में बहुत सच्चाई होती नहीं है, लेकिन कहानी और कथा के रूप में इसलिए सुनाया जाता है ताकि वो हमें याद हो जाए। तो राहु और केतु के विषय में भी, इन दोनों ग्रह के बारे में भी एक कथा है, पौराणिक कथा है, कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, असुर था, जिसको भगवान विष्णु ने इसका वध किया था
ठीक है, उसका वध करके दो टुकड़ा हो गया, एक सर से उन्होंने गर्दन उड़ा दिया। तो सर और धर दो पार्ट में, ये दो ग्रह बन गए। सर सिर को बोला गया राहु और धर को बोला गया केतु। तो राहु यानी सिर, सिर में क्या होता है दिमाग माइंड, तो राहु का असर होता है दिमाग से, और बाहु बल फोर्स ताकत ये सब किस इसका असर होता है केतु से। केतु का शरीर का अदर पार्ट है, जैसे हाथ से हम लिखते हैं काम करते हैं, तो इसी तरह से राहु, राहु का संबंध है बुद्धि से दिमाग से, और बाहुबल का संबंध है धर या केतु से। ज्योतिष में ये दो ग्रह है दोनों का इस तरह से डिफाइन किया, एक कहावत के रूप में, एक कहानी के रूप में इस तरह से प्रचलित है। लेकिन ये तो एक कथा है, एक कहानी है कि राहु क्या है, सर गर्दन के ऊपरी वाले हिस्सा को राहु कहा गया और गर्दन के नीचे वाले हिस्सा को केतु कहा गया, एक कहानी के रूप में बताया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, ज्योतिष के विद्वानों ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य ग्रहण लगता है ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है आप जानते हैं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इसको अलग अलग से बता देंगे, आपको पता भी होगा। तो सूर्य मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ठीक है। तो जब चक्कर लगाती है उसका जो मान लीजिए दायरा है सूर्य का और पृथ्वी का, तो कहीं पे कटान बिंदु होगा ठीक है, इसको डायग्राम से अलग हम बताएंगे। तो अगर मान लीजिए उसका उस कटान बिंदु को राहु और केतु कहा गया है ज्योतिष में, उसको हम अलग से एक डायग्राम बना के बताएंगे। अब इतना समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच मान लीजिए चंद्रमा चक्कर लगा रही, तो उसका एक अपना एरिया होगा इस तरह से ठीक है, वृत्ताकार समझ लीजिए, वृत्ताकार पाथ में अगर चंद्रमा घूम रही है तो वो कहीं ना कहीं उस एरिया को कट करेगा, उस कटान बिंदु को ही बोला जाता है, ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वाले को केतु। ज्योतिष में इस तरह से डिफाइन किया गया है राहु और केतु को, कितान कटान बिंदु को ही राहु और केतु का नाम दिया गया है। राहु क्या है, राहु कुछ नहीं है, जब ग्रहण लगता है उस समय एक छाया बनता है, वही राहु है जो सूर्य को ग्रस्त करता है, सूर्य को रोशनी को ग्रस्त कर दे रोक दे, उसी छाया को राहु बोला गया है। राहु राहु की दिशा अच्छा होने पे अच्छा होता है और राहु की दशा दिशा अच्छा ना हो तो खराब होता है। तो राहु की दशा अच्छा होगा तो आपके साथ अच्छा होगा, राहु की दशा खराब होगा तो उसका फल अच्छा नहीं होता है, समझ गए। तो नौ ग्रह आज भी हम जानते हैं कि नौ ग्रह है, तो हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी इसका अनुमान लगाया था कि अंतरिक्ष में नौ ग्रह है, और आज भी हम जानते हैं कि नौ ग्रह है, तो उनका अनुमान काफी सटीक है और आज भी वैज्ञानिक तरीकों से उसको साबित किया जा चुका है। अब आते हैं हम लोग राशि, तो आप लोग जानते हैं कि कितने राशि होते हैं, 12, 12 राशि होते हैं। आप लोग राशिफल डेली देखते होंगे, राशिफल पेपर में देखते होंगे या फिर इंटरनेट पे देखते होंगे, तो 12 राशियां होती है और इसी क्रम में रहता है, जिस तरह से आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इसी क्रम में राशि होता है। एक नंबर एक अंक जो है मेष राशि को दिया गया है, 2 वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन, ये 12 राशियां है ठीक है। अब ऐसे समझें पृथ्वी क्या है, इसको मान लेते हैं कि एक सर्किल है ठीक है, स्फीयर है, गोलाकार है, वृत्ताकार है, तो मान लीजिए ये अर्थ है, इसका जो पॉइंट है ये क्या हुआ सेंटर। अब इस सेंटर पे टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री, और इसको 12 भाग में आप बांटेंगे ठीक है, ये 12 भाग जो बटा, तो 360 में 12 से भाग देंगे तो कितना आया 30 डिग्री, 30 डिग्री, 12 इक्वल भाग में, यही अंश को हम लोग राशि बोलते हैं, इसी अंश को क्या बोलते हैं राशि बोलते हैं। और राशियां कितनी है, 12, और 12 का नाम हमने बता दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एक नंबर जो है मेष राशि के लिए, ये नंबर फिक्स है, कहीं भी आप पढ़ेंगे इसी क्रम में रहेगा, कहीं भी देखेंगे इसी क्रम में, इसलिए क्रम आप समझ लें। एक नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष,
तीन मिथुन, चार कर्क, पांच सिंह, छह कन्या, सात तुला, आठ वृश्चिक, नौ धनु, दस मकर, ग्यारह कुंभ और बारह मीन। ये 12 राशियां हैं। अब इसका क्या फल होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले इतना समझ लीजिए कि 12 राशियां हैं और इन राशियों का भी स्वामी होता है, जो ग्रह हैं उनके स्वामी होते हैं। जैसे मान लीजिए मेष राशि, उसका स्वामी कौन है तो मंगल। वृष राशि, उनके स्वामी कौन है शुक्र। मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी है बुध। कर्क राशि का है चंद्र। सिंह राशि का है सूर्य। कन्या का है बुध। तुला का है शुक्र। वृश्चिक का है मंगल। धनु का है बृहस्पति। मकर का है शनि। कुंभ का भी शनि है स्वामी और मीन राशि का है बृहस्पति। तो हर राशि का कोई ना कोई स्वामी है। स्वामी मतलब हेड, किंग कह सकते हैं आप। और इन ग्रहों के भी, जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे भी कुछ मित्र होंगे जिनसे अच्छी बातचीत होती होगी, जिनके यहाँ जाकर चाय पीते होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको देख के हम लोग चेहरा घुमा लेते होंगे, मतलब उनसे अच्छा रिलेशन नहीं है। शत्रु नहीं कहें लेकिन ऐसा कह सकते तो हमारे दोस्त नहीं। तो उसी तरह से ग्रहों के बीच में भी आपस में रह रहे हैं तो उनके बीच में भी मित्र होते हैं और शत्रु बोला गया, या कहें कि दोस्त नहीं है उसका प्रभाव, माने उनसे उनकी अच्छी पटरी तालमेल है, ठीक है। तो सूर्य, सूर्य का मित्र कौन कौन है, चंद्र, मंगल और गुरु। और इनकी कौन सी ग्रह से नहीं पटती है तो वह है शनि और शुक्र। सूर्य का शनि और शुक्र को शत्रु माना गया है ज्योतिष में। चंद्रमा, चंद्रमा का मित्र दोस्त सूर्य ग्रह और बुध ग्रह को माना गया है और चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, ठीक है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा शीतलता है, शीतल है तो उससे भाई कौन दुश्मनी करेगा, ठीक है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक, विनम्रता का प्रतीक है, ममता का प्रतीक है, तो उससे कोई वैरता करेगा, नहीं करेगा। मंगल, मंगल ग्रह के दोस्त हैं सूर्य, चंद्र और गुरु और उनका शत्रु माना गया है बुध। उसी प्रकार बुध ग्रह के सूर्य शुक्र मित्र कहलाते हैं और चंद्र उनका शत्रु। गुरु, गुरु के मित्र हैं सूर्य, चंद्र और मंगल और उनके शत्रु हैं शुक्र और बुध। उसी प्रकार शुक्र का जो मित्र ग्रह है वह है शनि और बुध और शेष सभी ग्रह, शुक्र से बाकी सभी लोग इनवाइट रहते हैं। शनि का मित्र है बुध और शुक्र और बाकी ग्रह इनसे खफा रहता है, बातचीत नहीं होती इनकी। राहु और केतु, इनका मित्र होता है शुक्र और शनि और ये अपने आप को सूर्य चंद्र और मंगल को शत्रु समझते हैं, ठीक है। राशि समझ में आ गया कि राशि कितनी होती है, 12। कितने राशियां हैं, 12। उसका क्रम आप लोग जैसा बताया गया उसी क्रम में समझेंगे। हमने बता दिया कि कौन से राशि के मित्र कौन है और कौन उनका शत्रु है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सूर्य का चंद्र मंगल और गुरु, ठीक है। अब है कि राशिफल, राशिफल कैसे, राशिफल को कैसे निर्धारित किया जाता है, राशिफल क्या है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा भाव। जन्म कुंडली में आप देखते होंगे एक रेक्टेंगुलर टाइप का रहता है, इस टाइप का, ठीक है। डायगोनल बना लीजिए और यहाँ से इस तरह से, ओके। तो 12 टुकड़ा, 12 खंड जिसको भाव बोलते हैं, वो भाव को समझते हैं पहले, उसके बाद राशिफल में हम लोग आएंगे कि भाव क्या होता है। देखिए काउंटिंग करेंगे, एक प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है। उसी तरह से आपका 12 भाव है, इसको इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। प्रथम भाव काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है। ये 12 भाव आप देख लीजिए जैसा चित्र में दिख रहा है आपको, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव हैं, ठीक है। हर जन्म कुंडली में आपको इस तरह का एक डायग्राम दिखेगा जिसमें 12 खंड बने रहते हैं। इस 12 खंड को क्या बोलते हैं, भाव। और इसी भाव के हिसाब से चंद्रमा जिस भाव में रहेगा, राशिफल कैसे कहेंगे कि हमारा कौन सा राशिफल होगा, कुंभ होगा, मकर होगा, तो हमारे यहाँ जो
राशिफल का निर्धारण किया जाता है कि हमारा कौन सा राशि निर्धारण होता है, वो होता है भाव के हिसाब से, कि चंद्रमा इन 12 भावों में चंद्रमा जहाँ बैठेगा और वो जो नंबर जिस अंक के साथ बैठेगा संलग्न रहेगा उसी अंक का नंबर जो हो जाएगा राशि हो जाएगा। 12 12 नंबर हमने बताया, मान लीजिए चंद्रमा एक नंबर के साथ संलग्न है तो आपका क्या राशि हो जाएगा, मेष राशि हो जाएगा। ठीक है, तो भाव समझ में आ गया, 12 भाव होते हैं। और 12 भाव में देखिए, 12 भाव में 1, 5 और 9, एक नहीं प्रथम बोलेंगे, प्रथम पंचम और नवम भाव जो होते हैं शुभ भाव बोलते हैं, इनको त्रिकोण बोला गया। 4, 7 और 10, देखिए 4, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव, 4, 7 और 10 को क्या बोला गया है, सम भाव बोला गया है, केंद्र बोला गया है। 2, 3, 11 द्वितीय तृतीय और एकादश भाव को शून्य, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो न शुभ है न अशुभ है बीच में। और 6, 8 और 12 को अशुभ, अशुभ को क्या बोला गया, त्रिक, त्रिक भाव भी बोलते हैं, त्रिक नाम दिया गया। अब देख लीजिए 12 भाव है, 12 भाव में कौन सा ग्रह कहाँ पे रहेगा उसके हिसाब से, सूर्य मान लीजिए, सूर्य अगर एक नंबर मतलब मेष राशि में है तो वो क्या बोला जाएगा, उच्च बोला जाएगा। 7वें नंबर पे है तो उसको अशुभ बोला जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ग्रह कौन से भाव में है उसके हिसाब से जन्म कुंडली को पढ़ा जाता है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक ही वीडियो में बताने से क्या होगा ना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग इसका जल्द ही रिकॉर्ड करेंगे।